यस सत श्री अकाल सभी को। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8th क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8th में क्या कहता है कि इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। चेक इट आउट। -1/8 इज अ मिक्स नंबर, वी विल फॉर्म इट इन ए सिंपल फ्रैक्शन डेट इज इक्वल टू -9/8। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 विल बी 8/-9। जैसे कि हमको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/8 का 8/9 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 8/-9। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 8/9 आना चाहिए एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 8/9। हैंस आवर आंसर विल बी नो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 इज नॉट इक्वल टू 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, ये भी सिमिलर है इसी की तरह। क्वेश्चन क्या कहता है, इज 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। नाउ चेक इट आउट। अगेन 3/1/3 इज ए मिक्स फ्रैक्शन, वी मेक इट सिंपल फ्रैक्शन डेट इज इक्वल टू 10/3। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 इज 3/10। एज यू नो अगेन रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर एंड विच इज इक्वल टू 0.3। 3/10 को जब डेसिमल फॉर्म बनाएंगे, क्या फॉर्म बनेंगे वो, 0.3। सो हम क्या कह सकते हैं, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। थैंक यू क्लास।